फ्रेंड्स, यूबीपी स्मार्ट गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप रेगुलर इनकम कैसे कर सकते हैं, और जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आप हर ट्रेड में प्रॉफिट ही बुक करेंगे, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे हर स्टेप को। हर स्टेप को आप अगर आपने अपनाया इस वीडियो में जो बता रहे हैं हम, तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे, रेगुलर इनकम करेंगे, हर ट्रेड में प्रॉफिट बुक करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टॉक को एक दिन पहले ही सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमको कल ट्रेड लेना है, इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, आज ही स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स हम एक स्क्रीनर है उसका हेल्प लेंगे, उसका नाम है स्मॉल कैश। स्मॉल कैश फ्रेंड्स जेरोधा का है, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस स्क्रीनर का। उस पर आप क्लिक करके लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के लिए आप जेरोधा से भी लॉगिन कर सकते हैं, और आपके पास अगर जीमेल है तो जीमेल से कर सकते हैं, फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हम आपको फेसबुक से ही लॉगिन करने के लिए बोलेंगे अगर आपका जेरोधा में अकाउंट नहीं है तो, या आप जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हम जीमेल से ऑलरेडी लॉगिन कर लिए हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, बहुत इजी स्टेप है फ्रेंड्स। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो को। और अगर आप जेरोधा और फाइव पैसा में अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं किसी भी, तो उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर आप क्लिक करके साइन अप करके आप जेरोधा में या फाइव पैसा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा स्मॉल कैश का। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस एड फिल्टर है लिखा हुआ, इस पर हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए प्राइस एंड वॉल्यूम, इस पे क्लिक करते हैं। यहां हमको सिलेक्ट करना है क्लोज पे टिक लगाना है, वन डे रिटर्न पे टिक लगाना है, वन वीक रिटर्न पे टिक लगाना है, उसके बाद वन मंथ रिटर्न पे हमको टिक लगाना है। अब ऐसा हमने क्यों किया वो भी जान लीजिए। जो भी स्टॉक फ्रेंड्स वन मंथ में अप ट्रेंड में है, वन वीक में अप ट्रेंड में है, और पिछले एक दिन से भी पिछले दिन भी अप ट्रेंड में था, उसी को हम सिलेक्ट करेंगे कल के लिए। तो ये समझ गए कि हम वन मंथ वन वीक और वन डे रिटर्न क्यों सिलेक्ट किए। वन मंथ अप ट्रेंड में होना चाहिए इंट्राडे में सिलेक्ट करने के लिए स्टॉक को, जो हम आज सेलेक्ट करेंगे उसको वन मंथ अप ट्रेंड में होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, वन वीक अप ट्रेंड में होगा, और पिछले दिन भी अप ट्रेंड में रहा हो वन डे पहले भी, तो ऐसा स्टॉक ही हमको इंट्राडे के लिए सेलेक्ट करना है। और ये तीनों अप ट्रेंड में होना चाहिए, वन वीक भी अप ट्रेंड में होना चाहिए, वन डे भी अप ट्रेंड में होना चाहिए, वन मंथ भी अप ट्रेंड में होना चाहिए। तीनों में से कोई एक अगर अप ट्रेंड में नहीं रहा तो फ्रेंड उसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लोज प्राइस, क्लोज प्राइस यहाँ मिड देंगे, क्योंकि हाई देंगे फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा जो बड़ा स्टॉक होगा जिसका 10,000 15,000 होगा उस रेंज का स्टॉक आएगा। तो हम यहाँ क्लोज प्राइस यहाँ सबसे पहले तो हम लार्ज कैप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ लार्ज कैप में हमको ट्रेड करना है कि 2000 करोड़ से जिसका ऊपर हो मार्केट कैप, उसको ही हम उसमें ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि उससे कम वाला जो है उसको मैनिपुलेट बहुत आसानी से कर लेते हैं बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं, तो उसमें छोटे ट्रेडर को नुकसान होने का संभावना ज़्यादा होता है। तो हम लार्ज कैप ही सेलेक्ट करेंगे, उसमें ही ट्रेड करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ क्लोज प्राइस, क्लोज प्राइस को हम यहाँ करेंगे मिड करेंगे, क्योंकि लार्ज कैप तो हम कर ही रहे हैं, उसमें भी हाई यदि रेंज में जाएंगे तो 5,000-10,000 का ही स्टॉक मिलेगा जो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, तो मिड हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, मिड प्राइस जो 100 से लेके 1000 के बीच के रेंज का प्राइस होगा। यहाँ पे एक पी रेशियो है, इसको हम रिमूव कर देंगे, हमको इसका ज़रूरत नहीं है मेरे तरीके में।
उसके बाद देखिए वन डे रिटर्न, वन डे रिटर्न पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम हैक कर देंगे, क्योंकि रिटर्न के लिए ज़्यादा कमाने के लिए हम ट्रेड करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए इसको हम नीचे करेंगे, वन वीक रिटर्न, वन वीक रिटर्न पे हम क्लिक किए, इसको भी हम हैक कर देंगे। रिटर्न हमेशा हैक करना है हमको। उसके बाद वन मंथ रिटर्न, वन मंथ रिटर्न में क्या करेंगे, इसको भी हम हैक कर देंगे। तो आपने देखा कि लार्ज कैप हमको सिलेक्ट करना है, उसके बाद मिड क्लोज प्राइस में मिड करना है, वन डे रिटर्न है करना, वन वीक रिटर्न है करना है यहाँ पे, और वन मंथ रिटर्न भी हाई कर देना है। बस इतना ही करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टॉक ऑटोमेटिक आ जाता है ये करने के बाद, जो वन मंथ में भी अप ट्रेंड में है, वन डे में भी अप ट्रेंड में, वन वीक में भी अप ट्रेंड है, वो सारा स्टॉक यहाँ आ गया। हम स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए हम इस स्क्रीनर का smallcash.com इसका हमने यूज किया, लेकिन हम अपना जो तरीका है वन डे रिटर्न अप ट्रेंड होना चाहिए, वन मंथ अप ट्रेंड होना चाहिए और वन वीक अप ट्रेंड होना चाहिए, इसको हम ऐड कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसको हम टेस्ट भी करेंगे अपने तरीके से। देखिए हमने सबको ऐड कर लिया यहाँ, जेरोधा में मेरा अकाउंट है जेरोधा में। उसके बाद देखिए किसी भी स्टॉक को हम आप यहाँ पर क्लिक करेंगे चार्ट पे, चार्ट पे हमने क्लिक कर दिया। इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे फ्रेंड्स आसानी से, बहुत इजी है। मान लीजिए SW स्टील है, ये सारा स्टॉक जो अभी हमने दिखाया स्क्रीन में उसको हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया जरोधा काइट में। यहाँ एक एक करके हम जो है ना वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ क्या देखेंगे, चार्ट पे देखेंगे वन मंथ, वन वीक और वन डे का रेट जो है ना अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ये अभी हम आपको सिलेक्ट करने के लिए एक दिन पहले का बता रहे हैं। उसके बाद लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करना वो भी बताएंगे अभी इसी वीडियो में, बने रहें आप। तो देखिए चार्ट खुल गया, तो चार्ट पे हम यहाँ वन मंथ पे क्लिक कर देंगे। वन मंथ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ हमको कैंडल क्या देखना है, ये 4 आवर है, हमको वन मंथ का कैंडल देखना है। वन एम ओ पर क्लिक कर देंगे, देखिए ये हमारा आ गया मंथली ट्रेंड, देख रहे हैं ऊपर है ग्रीन में है, ये अप ट्रेंड है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद वन मंथ का देख लिए, उसके बाद देखिए वन वीक पे हम क्लिक कर देंगे। वन मंथ के चार्ट को हम वन वीक पे, वन वीक के कैंडल पे देखेंगे। तो यहाँ देखिए वन वीक भी इसका अप ट्रेंड में है, पिछले वीक से ज़्यादा है अप ट्रेंड है। अब देखिए उसे जो भी हमने सेलेक्ट किया स्क्रीनर से सब का सब ऐसे ही होगा, अप ट्रेंड में ही होगा, वन मंथ वन वीक और वन डे। लेकिन फिर भी आप वेरीफाई हो जाना चाहिए, इंट्राडे में 100% कंफर्मेशन हो जाए तभी आप ट्रेड लें। तो देखिए अप ट्रेंड में है ये भी स्टॉक, वन डे में भी अप ट्रेंड में। अब देखिए फ्रेंड्स सभी को ऐसे चेक कर लेंगे, मतलब एक दिन में आपको कम से कम 3-4 ट्रेड लेना ही है। एक ट्रेड लेंगे तो आपको नुकसान का भी चांस रहता है, तो 3-4 ट्रेड आप लें अलग अलग स्टॉक में। तो हमने यहाँ 10-12 स्टॉक सेलेक्ट किया है और ये सब का सब आपको प्रॉफिट देगा। अब है कि इसमें देखिए फ्रेंड्स आपको क्या, ये तो हम सेलेक्ट कर लिए एक दिन पहले, अब लाइव मार्केट में हमको क्या करना है, किसी भी स्टॉक का आप उठाइए लाइव, जैसे टाटा मोटर्स को हम उठाते हैं यहाँ से, ये सब का सब अब ट्रेंड में है पिछले एक महीने से, वन डे में पिछले दिन भी प्रॉफिट दे चुका है। तो अब है कि लाइव मार्केट में हमको देखना है फ्रेंड्स कि 9:45 तक अगर इस स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड है और सेंसेक्स निफ्टी भी अप ट्रेंड में है तब हम इसमें ट्रेड लेंगे बाय के लिए। अब वो कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ हम वन मंथ पे क्लिक कर दिए, वन मंथ के चार्ट को हम क्या करेंगे 15 मिनट के कैंडल पे देखेंगे, तभी हमको 15 मिनट का 3 कैंडल मिलेगा,
देखिए 15 मिनट के कैंडल को हम यहाँ क्लिक कर दिए 15 मिनट पे। अब हमको 15 मिनट का हमको चार्ट कैंडल मिल गया, 15 मिनट का कैंडल मिल गया वन मंथ के चार्ट पे। तो अब देखिए हमको देखना है 9:45 तक ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए इस स्टॉक का, तभी हम बाय ट्रेड लेंगे। अब देखिए 7 तारीख का इस लाइव मार्केट में भी नहीं दिखा रहे हैं, ये 7 तारीख हो गया, 7 को 9:15 में क्या था, देखिए अप ट्रेंड था ये स्टॉक। 9 दूसरा भी क्या है चार्ट कैंडल जो बना वो भी अप ट्रेंड है, तीसरा भी अप ट्रेंड है। अगर 9:45 तक तीन कैंडल 15-15 मिनट का 9:45 तक ये अप ट्रेंड है स्टॉक, और सेंसेक्स निफ्टी भी अप ट्रेंड है 9:45 तक फ्रेंड्स, तब क्या करेंगे हम इसको बाय ट्रेड ले लेंगे 9:45 के बाद। और हर स्टॉक का अपना एक ट्रेंड होता है ये भी देखेंगे। 9:45 तक जो स्टॉक का ट्रेंड है, मान लीजिए इस स्टॉक का JSW का देखिए हम ट्रेंड कैसे पता करते हैं, देखिए कैंडल देख लेंगे। अब वन डे पे हम क्लिक कर देते हैं, इससे हमको ट्रेंड पता चलेगा। देखिए इसका ट्रेंड क्या है, यदि बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, देखिए 262 था इस कैंडल में, 262 से 266 4 रुपये बढ़ा, देखिए 259 से 267 यहाँ 8 रुपये बढ़ा, 254 से बढ़ के हुआ 258। ज़्यादा किस में बढ़ रहा है फ्रेंड, 4 के ट्रेंड में ये ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मतलब इसका कभी कभी 8 रुपये भी हुआ 10 रुपये भी हुआ, लेकिन बढ़ क्या रहा है ज़्यादातर देखिए 255 258 एक एवरेज इसका लेके चलते हैं, तो ये 4 के ट्रेंड में चल रहा है। यदि बढ़ता है टाटा मोटर्स तो 4 रुपये बढ़ता है पर डे। तो अब हम क्या देखेंगे, यदि बाय ट्रेड लेंगे तो अभी इसका रेट 619 रुपया है, 277 रुपया टाटा मोटर्स का है, ये 281 यदि हो गया है 9:45 तक ही तो फ्रेंड्स इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर 278 हुआ है तो ट्रेड लेंगे, 277 ही है तब ट्रेड ले लेंगे 9:45 तक, मतलब अप ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन इसका जो टारगेट है, जो ट्रेंड है बढ़ने का, वो अगर जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुका है तो इसमें 9:45 में ट्रेड नहीं लेंगे, इसको हम वेट कर लेंगे आधा घंटा एक घंटा, हो सकता है 281 से घट के फिर वो 277 आ जाए 278 आ जाए, लेकिन इसको बढ़ना है क्योंकि 9:45 तक ये अपना ट्रेंड बता चुका है कि ये बढ़ेगा ही, तो ये घटेगा यदि एक घंटा आधा घंटा में तब इसमें ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इसी तरीके से सभी स्टॉक में देखना है जिसमें मेरा ट्रेड बनता है 9:45 तक अप ट्रेंड में है तभी हम उसको बाय ट्रेड लेंगे, और सेंसेक्स निफ्टी भी अप ट्रेंड में है तभी हम इसको बाय ट्रेड लेंगे, और टारगेट जो हमारा है वो भी अगर 9:45 तक अचीव कर चुका है तब हम उसको बाय ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे आधा एक घंटा, कुछ गिरेगा प्राइस तब बाय करेंगे उसको। इस तरीके से हमको बाय के लिए ट्रेड करना है। तो क्या समझा आपने फ्रेंड्स, फाइनली जो भी स्टॉक को हम स्क्रीनर से स्क्रीनिंग करेंगे तो उसमें देखेंगे वन मंथ का ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, वन वीक का अप ट्रेंड होना चाहिए, वन डे का अप ट्रेंड होना चाहिए, वो एक दिन पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए 9:45 तक उस स्टॉक का जिसमें हम बाय ट्रेड लेना चाहते हैं अप ट्रेंड होना चाहिए, और सेंसेक्स निफ्टी भी अप ट्रेंड होना चाहिए, और टारगेट जो हम ट्रेंड है उस स्टॉक का वो ट्रेंड 9:45 तक अपने टारगेट को अगर अचीव कर लिया है तो वेट करेंगे तब बाय करेंगे या उसमें ट्रेड नहीं लेंगे, और सेंसेक्स निफ्टी अप ट्रेंड में है और उस स्टॉक का भी ट्रेंड 9:45 तक अप ट्रेंड है लेकिन टारगेट अचीव अभी तक नहीं किया है तब उसको हम 9:45 में बाय ट्रेड ले लेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग किया बाय में तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा फ्रेंड्स। और शॉर्ट सेल में भी इसके अपोजिट वन मंथ का देखेंगे अप डाउन ट्रेंड हो, वन वीक का डाउन ट्रेंड हो, और
पिछले दिन भी वो स्टॉक लॉस दे चुका हो, तभी हम उसको सेलेक्ट करेंगे शॉर्ट सेल के लिए। और लाइव मार्केट में सेंसेक्स निफ्टी डाउन ट्रेंड में हो और जिस स्टॉक को हम शॉर्ट सेल करना चाह रहे हैं वो भी डाउन ट्रेंड में हो, तभी उसको शॉर्ट सेल के लिए हम शॉर्ट सेल करेंगे। फ्रेंड्स, ये तरीका अपनाना है आपको लाइव मार्केट में। इस तरीके से अगर आपने ट्रेड लिया तो फ्रेंड्स मैं दावा करता हूँ आपको किसी भी ट्रेड में लॉस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है इस तरीके से आप ट्रेडिंग करेंगे तो इंट्राडे में हमेशा ही प्रॉफिट बुक करेंगे और आपको इस वीडियो से ज़बरदस्त लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो से, लाभ मिलेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको लाभ नहीं मिले तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और इस तरीके को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और आप अपना कोई राय देना चाहते हैं, आपका कोई ओपिनियन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।